फाइनली हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं। छानी जी को बहुत ज्यादा मिस किया सच में। थैंक यू थैंक यू पापा वेलकम। सेकेंड बार दादाजी बन के आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए जी, आज की वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा पैलाग और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। की वीडियो की शुरुआत हो रही है हल्द्वानी शहर से, और आज हल्द्वानी पर हमारा लास्ट डे है। आज हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अपने घर की ओर। इतने टाइम तो हम लोग घर से ना चार लोग निकले थे, और जाते टाइम ना पाँच जा रहे हैं और छठे हैं मेरे देवर जी। तो मेरे देवर जी भी ना कल पहुँच गए थे, और वो ना अभी स्कूटी में है, वो स्कूटी में आएंगे। बाकी देवरानी जी लोग भी ना घर पर वेट कर रहे हैं, तो आज उनका वेट भी ना खत्म हो जाएगा, शाम तक हम लोग घर पर पहुंच जाएंगे। कि आप सभी हल्द्वानी शहर वालों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, बहुत सपोर्ट किया, और सभी लोगों ने मेरे लिए दुआ मांगी। मतलब जितनी भी हल्द्वानी की जनता है और बाहर की जनता मेरी वीडियोज देखती है ना, आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम लोग रास्ते पर रुक चुके हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि नाश्ता करने के बाद ना मैंने दवाइयाँ भी खानी है। बाकी मम्मी का नाश्ता तो यहीं पर गाड़ी में आ चुका है, और मम्मी पकौड़ियाँ खा रहे। कसूरी पकौड़ियाँ अच्छे हो रहे। और पापा ने ना अभी बच्चे को पकड़ रखा है, तो धूप भी सिखा रहे हैं साथ में। बाकी मैं यहाँ पे ना अपने चाय का वेट कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पर मुझे चाय बिस्किट ही लेना है, फिर उसके बाद ना अपने सफर को कंटिन्यू करेंगे। जी हम लोग कैची धाम पर पहुंच चुके हैं, और यहीं से दूर से ही ना बाबा जी के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइम तो हम लोग ना मंदिर पर नहीं जा सकते। तो यहीं से ना बाबा जी के धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आते टाइम भी हम लोग यहाँ पर ना हाथ जोड़ते हुए गए थे। तो अभी ना हम लोग उधर तो नहीं जा सकते, बाद में जब बेबी बड़ा हो जाएगा या बड़ी हो जाएगी ना, फिर बेबी के साथ आके ना हम लोग यहाँ पर मंदिर पर दर्शन करने के लिए जरूर जाएंगे। गाइस अभी हम खरौना पहुँचे हैं, तो ना बेबी को ना फीड करवाना था, तो अभी हिनू मम्मी पापा और दूध दे रहे हैं बच्चे को, तो उसके बाद हम अपना सफर कंटिन्यू करेंगे। और आज हम बहुत आराम से जा रहे हैं, फिर भी टाइम पे पहुँच गए, और हमें ना 6 बजे तक पे घर पहुँचना है। गाड़ियाँ बहुत तेज़ जा रही हैं यहाँ पे, हवा बहुत तेज़ आ रही है यार। हमें 6 बजे से पहले घर पहुँचना है, क्योंकि उजाले में पहुँचेंगे ना तो अच्छा होगा। पहाड़ों का मौसम तो यार हमेशा से ही ग्रेट होता है, आज भी बहुत अच्छा है, एकदम मस्त से धूप आई है। तो स्कूटी में ठंडा हो रहा है क्या? ना तो हो रहा, ना बढ़िया हो रहा। अभी हम लोग अल्मोड़ा पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर ना हमारा लंच भी हो गया है। तो भैया और पापा ना अभी भी लंच कर रहे हैं, बाकी मैंने भी कर लिया है, और अब मैं चलती हूँ गाड़ी में बेबी के पास, और मम्मी आएंगी लंच करने के लिए। और आज ना काफ़ी टाइम बाद ना अच्छी सी खिलखिलाती वाली धूप सेकने को मिल रही है, क्योंकि कलर परसों ना मैं अंदर ही थी हॉस्पिटल के अंदर, और उससे पहले ना हल्द्वानी में धूप तो थी लेकिन ना इतनी गर्मी नहीं हो रही थी। तो जैसे जैसे हम लोग पहाड़ों की ओर बढ़ रहे हैं ना, वैसी वैसी हमें ना अच्छी धूप देखने को मिल रही है। चलिए जी, हम लोग बागेश्वर भी पहुंच गए हैं, और यहाँ पहुंचते हुए हमें शाम के 5 बज चुके हैं। और आज रास्ते भर में मैंने ज़्यादातर वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हमारा ध्यान ना सीधे घर जाने पे है और बेबी का ख्याल रखने पे है। तो आज मिस्टर जी भी ना गाड़ी धीरे धीरे चला रहे, क्योंकि बेबी भी साथ में है, इसे ना बीच बीच में फीडिंग भी करवानी पड़ रही है, और मेरी अभी डिलीवरी हो रखी है, तो झटके वगैरह से ना थोड़ा आराम आराम से बच के जाना है। तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है यार, इतने दिनों बाद आज मैं घर की ओर आ रही हूँ। नॉर्मल डिलीवरी का एक फ़ायदा ये है कि ज़्यादा दिन ना आपको हॉस्पिटल पर नहीं रुकना पड़ता है। और जाते टाइम हम लोग ना काफ़ी ज़्यादा टेंशन में गए थे, मतलब डर जैसी लग रही थी कि डिलीवरी सही से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी करके, लेकिन भगवान जी की कृपा से ना डिलीवरी सही सलामत होगी, मतलब अच्छी से होगी, बच्चा भी सही है और मैं भी ठीक हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही घर जाने में। और बाकी देवर जी तो ना हमें लेने भी आए थे, तो देवर जी से तो मुलाकात मेरी हल्द्वानी में हो गई थी, और अब घर जाके ना देवरानी जी से और नमो से मिलेंगे। उनसे मिलने के लिए भी ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रखी हूँ, और मुझसे ज़्यादा ना वो लोग हो रखे हैं बेबी को देखने के लिए, है ना मम्मी? और मम्मी को कैसा लग रहा?
अच्छा लग रहा है यार। अच्छा लग रहा है। फाइनली हम लोग घर पर पहुंच चुके हैं और घर पहुंचते हुए ना हमें अंधेरा हो गया है, तो अब चलते हैं ऊपर को। और ऊपर ना मम्मी लोग भी आए हुए हैं, तो मम्मी चाची सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, साथ में गोल्ड भी, उसकी आवाज़ तो यहाँ तक आ रही है। वेलकम। थैंक यू पापा, वेलकम। आरती भी आती है, सेकंड बार दादाजी बन के आ रहे हैं। हम लोग घर पर पहुंच चुके हैं और अभी ना बेबी और मैं अपने रूम पर आ गए हैं। कुछ दिनों के लिए हमारा रूम यही होने वाला है, जब तक नामकरण नहीं होगा। बाकी देवरानी जी लोगों ने ना घर पर काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की है, वेलकम वगैरह कर रखा है हमारा, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और आपको कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा। और पता है आगे से ना मन भी सोया हुआ था। हाँ, हमने सोचा सब नीचे आएंगे है? लेकिन जैसे आप लोग की गाड़ी की आवाज आई वो उड़ गया। उसे भी पता है। हाँ, तो अभी अंधेरा हो गया ना, इसलिए ना मन को भी बाहर नीचे नहीं लेके आ सकते। और ना घर आके ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, इतने दिनों बाद हम मिल रहे हैं। और जाते टाइम ना थोड़ा गंदा लग रहा था, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। जाते टाइम टेंशन था, आते टाइम खुशी के साथ आए हैं, तो अच्छा लग रहा है। अब थोड़ी देर हम लोग बैठते हैं, क्योंकि काफी टाइम से बैठना और रखना है, तो पूरी फैमिली बातें वगैरह करेंगे। और देवरानी जी लोग भी ना बेबी को देखेंगे, वीडियो कॉल पे तो देखा लेकिन सामने नहीं पकड़ रखा है। और यहाँ पे ना मेरी मम्मी भी आई हुई है, तो जब बेबी होता है ना तब नानी भी आते हैं, तो नानी भी आ रखे हैं यहाँ पे मिलने के लिए। ये दिल सीने में था पर कभी धड़का नहीं था, ये तेरी आहट इसे दे गई धड़कन। बहुत ज्यादा मिस किया सच में, मैंने भी मिस किया यार। बहुत ज्यादा मिस किया हमने। जाते टाइम बहुत बुरा लग रहा था। हाँ, जब घर से जा रहे थे उस इतना बुरा लग रहा था, उसकी डबल खुशी हो रही अब तो। हाँ। मैंने भी नहीं बोला है मम्मी को। तो हम लोग ना इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे ना, मतलब मम्मी लोग भी बेबी को देखने के लिए और वैसे करके, तो मैं मम्मी को ना पर राम भी नहीं बोल पाई, तभी पर राम बोलती हूँ। मम्मी मम्मी पलक अब बधाई तुझे भी। आते टाइम ना मतलब एक्साइटमेंट में, और अंधेरा हो रहा था ना इसलिए फटाफट अंदर आए, पता ही नहीं चला। तो अभी तो अब यहाँ पे ना बेबी को पकड़ा जा रहा है, तो थोड़ी देर हम लोग बैठते हैं फिर मिलते हैं। रहने के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया और अभी ना बेबी भी सो रखा है। बाकी मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे ना मम्मी चाची और ताई जी लोग आए हुए हैं, तो सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं। और देवरानी जी ने हमारा घर पर बहुत अच्छे से वेलकम किया, आपने देख लिया होगा। और ना उन्होंने ना केक भी मंगवाया था, तो अपना केक कट करते हैं। और केक कट ना देवरानी जी करेंगे, क्योंकि हमारे वहाँ ना अभी मैं अलग से रहती हूँ ना, तो 11 दिन तक मेरा टच किया वाला ना कोई नहीं खाता है। तो देवरानी जी ना वेलकम वाला केक कटिंग करेंगे और उसके बाद ना सबको बांटेंगे, यानी कि हमारी घर आने की मिठाई बेबी के घर पहुँचने की। वेलकम छोटू छोटू बेबी। और हम यहाँ पे ना केक कट कर रहे हैं, तो ताई जी और बालिका अम्मा दोनों मिला के हंसा रहे हम लोग को।